हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लेक्चर सीरीज का ये 8 लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें लेबर वेरिएंस और मटेरियल वेरिएंस दोनों के बारे में पूछा है। ये एक बोर्ड आपके महाराष्ट्र क्या बोलते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आ चुका है। मैं इसलिए ये क्वेश्चन लिया है आप लोग के लिए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन पर डायरेक्टली आते हैं। क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया हुआ है, कैलकुलेट मटेरियल एंड लेबर वेरियंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। स्टैंडर्ड पर यूनिट, स्टैंडर्ड जो दिया है पर यूनिट मतलब एक यूनिट के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड फॉर अ यूनिट, स्टैंडर्ड फॉर अ यूनिट ऐसा दिया रहता है, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर स्टैंडर्ड जो प्रोडक्शन है वो कितना दिया हुआ है, सॉरी स्टैंडर्ड आउटपुट या प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है, वो कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज लिखा है ना, फॉर अ यूनिट, फॉर यूनिट मतलब एक यूनिट, जैसे यहाँ पे लिखा है पर यूनिट मतलब एक यूनिट की बात कर रहे हैं। वो एक यूनिट बनाने के लिए इतना मटेरियल खर्चा होता है, तो ऐसे भी आप लोग को कंफ्यूज करके दे सकता है स्टैंडर्ड फॉर आ यूनिट। तो बच्चे कंफ्यूज, सर इसमें तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया ही नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं दिया हुआ है, एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है लेकिन स्टैंडर्ड नहीं दिया। दिया हुआ है ना, फॉर यूनिट बोला मतलब एक यूनिट, तो ये पर यूनिट बोला तो मतलब एक यूनिट, ठीक है ना। तो चलिए आगे आते हैं। मटेरियल कितना लगता है, 6 kg, एक kg का रेट कितना है 4 per kg। लेबर लगता है 4 hours और एक का रेट कितना है 4 per hours, बराबर है। एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है आप लोग को, एक्चुअल मटेरियल प्राइस दिया हुआ है, मटेरियल यूज दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर हैज आवर्स वर्क दिया हुआ है, ठीक है, एक्चुअल वेज रेट दिया हुआ है, तो सब चीज़ें दी हुई, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग को पता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को दी है पहले हम लोग मटेरियल वेरियंसेस निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन का, मटेरियल वेरियंसेस, बराबर ना। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं मटेरियल वेरियंसेस। आप लोग अगर मटेरियल वेरियंसेस देखेंगे तो मटेरियल वेरियंस के कैलकुलेशन में आप लोग को पहले क्या क्या चाहिए रहता है, स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, बराबर है। स्टैंडर्ड आउटपुट आप लोग का दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 1 unit, एक यूनिट के लिए दिया हुआ है, बराबर ना। जो एक्चुअल आउटपुट है आप लोग का, देखो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना दिया है, 12,500 units, बराबर है। ये 1 unit के लिए दिया है और ये 12,500 units के लिए दिया हुआ है एक्चुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। फिर अगर आप लोग आओगे तो आप लोग को चाहिए रहता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी दी है आप लोग को, देखो मटेरियल बराबर ना, मटेरियल में क्वांटिटी मिलेगी आप लोग कितना है 6 kg, बराबर ना। और एक्चुअल जो क्वांटिटी है, देखो मटेरियल यूज्ड मतलब एक्चुअल में आप लोगों ने कितना यूज किया, ठीक है ना, तो वो कितना है 78,000 kg, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, बराबर है। चलिए उसके बाद आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोग को स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस की, ठीक है। उसके बाद क्या चलेगा आप लोग को, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस जो है आप लोग का, मटेरियल की बात करें तो मटेरियल में जाएंगे कितना है 4 per kg, तो 4 per kg, बराबर है। और अगर आप लोग एक्चुअल की बात करेंगे तो एक्चुअल में देखो मटेरियल का रेट दिया हुआ है, मटेरियल यूज नहीं, डायरेक्ट लेबर, हाँ एक्चुअल मटेरियल प्राइस कितना दिया हुआ है 4.50 per kg, बराबर है। ये हो गया हम लोग की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम है क्या। तो स्टैंडर्ड आउटपुट आप लोग का 1 unit है, एक्चुअल आउटपुट कितना है 12,500, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, बराबर ना। उसका फॉर्मूला था आप लोग का स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट का मतलब आप लोग ने कितनी क्वांटिटी यूज किए, स्टैंडर्ड तौर पे यूज करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट का दूसरा नाम है, आप लोग याद रख लेना, स्टैंडर्ड इनपुट को दूसरा बोलते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही बोलते हैं, याद रखना, ये तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हाँ स्टैंडर्ड इनपुट को स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही बोलते हैं। चलिए आते हैं, तो स्टैंडर्ड इनपुट आप लोग का कितना है देखिए 6, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है देखिए आप लोग का 1, एक्चुअल आउटपुट कितना है आप लोग का 12,500। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली कर सकते हो, बराबर ना, तो 12 6 72 और 5 6 3, तो 75,000 kg। ये आ गया आप लोग का 75,000 kg। उसके बाद ये आप लोग का चेंज हो गया, तो अभी आप लोग को क्या कर लीजिए, यहां पे समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी है आप लोग की वो कितनी है 75,000 kg, इसको भूल जाने का,
इसको ऐसा कैडमिट नहीं करने का, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम में खाली याद रखना है कि 75,000 केजी होगी, या तो आप लोग यहाँ पे वापस लिख सकते हो स्टैंडर्ड क्वांटिटी नई वाली 75,000 केजी। ठीक है, अब सारा क्वेश्चन सॉल्व करने का, जितने भी वेरिएंसेस है मेटल के वेरिएंसेस निकालने का, आप लोग को सिर्फ तीन ही करना रहता है TYBCOM के लिए। तो पहला होता है आप लोग का, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, हाँ, लेबर कॉस्ट वेरियंस। लेबर कॉस्ट वेरियंस का फॉर्मूला है आप लोग का कॉस्ट है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, बराबर ना। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होता है आप लोग का वो कैसे आता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, वैसे ही माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप लोग की अभी आई 75,000, और जो आप लोग का स्टैंडर्ड प्राइस था वो कितना है 4, बराबर है। एक्चुअल क्वांटिटी आप लोग आओगे तो 78,000 है आप लोग की, बराबर है, और प्राइस कितना है आप लोग का 4.50। इसको मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, आपके पास कैलसी है आप लोग यूज कर सकते हो, 75 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 3 लाख। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 78,000 मल्टीप्लाई बाय 4.5 तो होता है आप लोग का 3,51,000। आप लोग का आंसर आ गया माइनस में 51,000, जिसको आप लोग बोलेंगे आ गया आप लोग का 51,000 एडवर्स। ये आने के बाद लेबर कॉस्ट वेरियंस आने के बाद आप लोग निकालते हैं लेबर, वापस मैंने गलती करा, लेबर लिखा, ये है आप लोग का मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, ठीक है ना। यहां पे आप लोग का आएगा मटेरियल यूसेज वेरियंस, MUV, बराबर ना। मटेरियल यूसेज, यूसेज किसकी होती है, क्वांटिटी की होती है, तो आप लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। क्वांटिटी लिख दिए तो यहाँ पे क्या आने वाला है, प्राइस, और जो आप लोग का यूसेज होता है वो किसके हिसाब से होता है, आप लोग का स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप लोग की दी हुई है 75,000, अभी आप लोग ने कैलकुलेट करे, बराबर है। एक्चुअल क्वांटिटी आप लोग की क्वेश्चन में पहले से दिया था 78,000, बराबर है, और स्टैंडर्ड जो प्राइस आप लोग का कितना है 4, जब आप लोग इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 3,000, बराबर ना, और 3,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 12,000, तो ये आ गया 12,000 एडवर्स, बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग का अगला वेरिएंस है लेबर प्राइस वेरिएंस, वापस से गलती, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है ना। प्राइस आ गया तो सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, प्राइस लिख दिए तो यहां पे लिखेंगे आप लोग क्वांटिटी, और जो प्राइस वेरिएंस होता है वो किसके हिसाब से होता है, एक्चुअल के हिसाब से होता है, एक्चुअल क्वांटिटी के हिसाब से होता है, क्लियर है। तो चलिए स्टैंडर्ड प्राइस आप लोग का कितना था 4, एक्चुअल प्राइस आप लोग का कितना था 4.50, और एक्चुअल क्वांटिटी आप लोग की कितनी थी 78,000, बराबर है, यहां पे दिए हुए। अब आप लोग को क्या करना है, 78,000 को मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस करोगे तो 0.50 होगा, तो 0.50 माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 39,000, ये भी एडवर्स में, तो यहां लिख दोगे एडवर्स, बराबर है। तो हर इंफॉर्मेशन आप लोग की किस में आई है, एडवर्स में ही आई है। चलिए अब लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, वेरिफिकेशन, तो यहां पे लिखता हूं मैं वेरिफिकेशन, बराबर ना। वेरिफिकेशन का फॉर्मूला आप लोग को पता है, लेबर कॉस्ट वेरियंस इज इक्वल टू लेबर, सॉरी मटेरियल कॉस्ट वेरियंस इज इक्वल टू, बार बार मैं लेबर ही बोल दे रहा हूँ, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस इज इक्वल टू मटेरियल यूसेज वेरियंस मटेरियल प्राइस वेरियंस, बराबर ना। तो देखिए दोनों को प्लस करके कितना होता है 12 और 39, 51 होता है, तो 51 हो गया, वेरीफाई हो गया। आप लोग यहाँ पे वो सॉल्व करके दिखा देना, मैं नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग को करना है, ठीक है ना। चलिए अब ये हो गया हम लोग का मटेरियल का पार्ट फिनिश, मटेरियल पार्ट क्या हो गया आप लोग का फिनिश हो गया। अब किस पे आते हैं हम लोग, लेबर के पार्ट पे, किस पे आते हैं लेबर के पार्ट। अब लेबर के पार्ट पे जब आप लोग आओगे तो वापस से आप लोग को लिखना रहता है इंफॉर्मेशन, आप लोग का जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो कितना है 1 यूनिट, बराबर है। एक्चुअल जो आउटपुट है आप लोग का वो कितना है 12,500 यूनिट्स, बराबर है। उसके बाद आप लोग को चाहिए रहता है स्टैंडर्ड आर्स और एक्चुअल आर्स, क्योंकि लेबर की बात चल रही है, यहां पे आप लोग लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है, चाहिए तो जैसे मैंने यहां पे लिखा था ना, क्या लिखा था, मटेरियल वेरिएंसेस, यहां पे क्या लिख लेना आप लोग, लेबर वेरिएंसेस हेडिंग डाल के, ये हो गया आप लोग का हेडिंग, ठीक है ना। तो वो लिख लेना स्टैंडर्ड आर्स और एक्चुअल आर्स, स्टैंडर्ड आर्स आप लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ, देखिए जरा लेबर का 4 आर्स, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं 4, बराबर ना। एक्चुअल आर्स आप लोग को दिया हुआ, देखो कितना डायरेक्ट लेबर वर्क कीजिए 48,000,
तो यहां पे लिख लेते हम लोग 48,000 आवर्स, बराबर है। फिर आते हैं हम लोग आवर्स के बाद क्या चाहिए हम लोग को, स्टैंडर्ड रेट चाहिए होता है और एक्चुअल रेट। जो स्टैंडर्ड रेट है आप लोग को दिया, देखो लेबर का 4 पर, बराबर ना, तो 4 पर आवर। और जो एक्चुअल है आप लोग का वेज रेट कितना है, 3.50 पर आवर। ये हो गया आप लोग का इंफॉर्मेशन पुट करके। अब आप लोग को पता है ये करने के बाद आप लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि दोनों आउटपुट सेम है कि नहीं है। सेम है, सेम नहीं है तो आप लोग को रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, रिवाइज स्टैंडर्ड। कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि ये एक यूनिट बनाने के लिए है और ये 12,500 यूनिट बनाने के लिए, तो कंपेरिजन नहीं हो सकता है। कंपेरिजन कब होगा, जब दोनों सेम यूनिट्स के लिए होगा ना, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोग को, किसको, इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लिखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसका फॉर्मूला वही सेम, इसकी तरह ये पूरा सेम है, खाली आ रहा है स्टैंडर्ड इनपुट, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं होती यहाँ पे, यहाँ पे क्या होते हैं आर्स। तो सिर्फ क्या लिखने का, स्टैंडर्ड आर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्योंकि क्वांटिटी की बात चल रही थी, यहाँ पे स्टैंडर्ड आर्स क्योंकि यहाँ पे आर्स है लेबर है। क्लियर है, बस इतना ही डिफरेंस है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लिया करो, हर बार दिमाग में बैठोगे प्रैक्टिस करोगे तो आते रहेगा। स्टैंडर्ड आर्स आप लोग का दिया हुआ देखिए कितना, 4। स्टैंड आउटपुट कितना है आप लोग का, 1। और एक्चुअल आउटपुट कितना है आप लोग का, 12,500, बराबर है। 12,500 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आप लोग का 50,000 आवर्स। हो गया, अब आप लोग का ये चेंज हो गया, बराबर ना। यहाँ पे कितना आ गया, 50,000 आवर्स आ गया, तो मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, 50,000 आवर्स, ये हट जाएगा आप लोग का, बराबर ना। उसके बदले क्या आ जाएगा, 50,000 आवर्स, फिनिश। अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं और वेरिएंसेस निकाल सकते हैं। पहला है आप लोग का लेबर कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट आया तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ है आप लोग का स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड आप लोग का आर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, और यहां पे भी एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड आर्स जो है आप लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ, देखिए जरा कितना दिया हुआ है, सॉरी आपने सॉल्व किया उसको, 50,000 इंटू स्टैंडर्ड रेट आप लोग का जो दिया हुआ है कितना दिया है, 4। माइनस एक्चुअल आर्स आप लोग का देखिए कितना दिया हुआ है, 48,000, और एक्चुअल रेट जो है आप लोग का कितना है, 3.50। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2,00,000, बराबर है। उसमें से इसको क्या करना है आप लोग को, माइनस करना है 48,000 मल्टीप्लाई बाय 3.50, तो होता है आप लोग का 1,68,000। जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा ये 32,000 फेवरेबल। आंसर किस में आ गया आप लोग का, फेवरेबल में आ गया, बराबर है। आगे बढ़ते हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस के बाद होता है आप लोग का लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी जो होती है चेक होती है हम लोग किसके हिसाब से होती है, आर्स के हिसाब से, बराबर ना। तो एफिशिएंसी आ गया तो क्या आएगा, आर्स। तो स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स, बराबर है। आर्स आ गया तो यहां पे क्या रहेगा आप लोग का, रेट। और एफिशिएंसी हमेशा किसके हिसाब से होती है, स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया था आप लोग को, ईएस से याद रख सकते हो, जैसे यहां पे यूएस से याद रखते हो, यहां पे किससे याद रख सकते हो, ईएस से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड आर्स जो है आप लोग के कितने हैं जरा देखिए, 50,000 अभी आप लोग ने कैलकुलेट करे यहां पे, बराबर ना। माइनस एक्चुअल आर्स, एक्चुअल आर्स आप लोग के कितने हैं, 48,000, और स्टैंडर्ड जो रेट है आप लोग का वो आप लोग का था 4। इसको जब आप लोग लिखोगे तो ये कितना हो जाता है देखिए, 2,000, बराबर है। तो 2,000 इंटू 4 तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो हो जाएगा आप लोग का 8,000 फेवरेबल, प्लस में आंसर आ रहा है आप लोग का, बराबर है। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी किसमें आया आप लोग का, प्लस में आया। तो चलिए अब आते हैं हम लोग लेबर रेट वेरिएंस निकालते हैं। रेट आया तो फिर सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। रेट आ गया तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम लोग, रेट आगे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आर्स से, बराबर ना, क्योंकि आर्स और रेट को ही मल्टीप्लाई करना है हर जगह। यहाँ पे भी आर्स रेट को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें, आर्स से। अब जो आप लोग का जो रेट होता है वो किसके हिसाब से होता है, हमेशा एक्चुअल के हिसाब से, तो एक्चुअल आर्स लिख देने का। स्टैंडर्ड रेट आप लोग का 4, एक्चुअल रेट 3.50, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। एक्चुअल आर्स जो है आप लोग का कितना है, 48,000, बराबर है। ये होता है 0.50 मल्टीप्लाई करें तो आप लोग का कितना हो जाएगा, 24,000। 24,000 क्या हो गया आप लोग का, फेवरेबल, ये भी फेवरेबल आ गया।
अब लास्ट में क्या करेंगे आप लोग, वेरिफिकेशन। तो 24 को देखो इससे प्लस करो तो कितना होता है, 32 आता है, तो ये भी 32 है फेवरेबल, तो आंसर आप लोग का क्या है, राइट है। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन फिनिश, चैप्टर भी फिनिश कर दिया मैंने। आप लोग के पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको और क्वेश्चन चाहिए मुझे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज करिए, मैं आप लोग को वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा और उसको आप लोग अगर चेक कराना है तो चेक भी कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगले वीडियो से शुरू करेंगे हम लोग आप लोग का जो मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर है, वो चैप्टर बहुत अलग है और फॉर्मूला बेस्ड है। सिर्फ एक फॉर्मूला अगर याद होगा और थोड़ा लॉजिक याद होगा आप लोग के पास तो आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।